अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप निषाद भोई समन्वय समिति ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया है। 21 और 22 मई को नवीबई के ऐरोली में चलने वाले इस अधिवेशन का राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के हाथों उद्घाटन होने वाला है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक रमेश दादा पाटिल और समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजाराम कश्यप ने बताया कि इसमें देश भर के 151 कोली मछुआरा संगठनों और समुदायों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। देखिए रिपोर्ट। नवीबई के ऐरोली स्पोर्ट्स एसोसिएशन प्रांगण में कल 21 मई से आदिवासी कश्यप निषाद भोई समाज का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू होने वाला है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी इस अधिवेशन का उद्घाटन करेंगे। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी देते हुए कोली महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश दादा पाटिल और अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप निषाद भोई समन्वय समिति के अध्यक्ष राजाराम कश्यप ने बताया कि 2 दिन चलने वाले इस अधिवेशन में देश भर के कोली मछुआरा निषाद संगठनों के 151 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। यहाँ कोली निषाद समुदाय के उत्थान के लिए कश्यप बोर्ड बनाने और समाज को राजनीतिक भागीदारी दिलाने समेत कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। बिखरे हुए हैं ऑल ओवर इंडिया में, हर स्टेज में हम निर्णायक लोग हैं, हर स्टेज में हमारी ताकत है, लेकिन क्या है वो बिखरे हुए हैं, वो ताकत इकट्ठा नहीं है। तो हम ये अधिवेशन में इसलिए हमने बुलाया है कि इस अधिवेशन में हम अनाउंस करेंगे कि अपन सब लोग इकट्ठा आए, सब लोग के विचार इकट्ठा करें, क्योंकि हर पार्टी में हमारे समुदाय के लोग हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि आप सब लोग अपन इकट्ठे रहते हैं तो ज़रूर हम आने वाले जो पॉलिटिकल्स अपना इलेक्शंस हैं वो शायद अपन उसको ट्राई करेंगे, शायद अपन वो अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। समाज के संस्थाएँ हैं, वो संस्थाओं को अगर हम इकट्ठे करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग पॉलिटिकली भी हमने को कुछ मतलब उसका फायदा होगा। ऑल ओवर इंडिया में 22 करोड़ लोग हैं, 22 करोड़ में, और हम लोग निर्णायक लोग हैं जो हमें हमारी ताकत पता नहीं, इसलिए हम लोग ये अधिवेशन में हमारी क्या ताकत है वो ताकत आजमाने की हम लोग कोशिश करने वाले हैं और सबको जागरूक करने वाले हैं कि अपन इतने संख्या में होते भी अपने को क्यों पॉलिटिकल ये सुविधा नहीं मिल रही। अभी यहाँ पर जो रखने के पीछे मूल कारण था कि जितने बड़े शहर हैं जहाँ पर हमारा जनाधार है, जैसे रानीमती बंगाल है केरला के, इसमें सबसे ज़्यादा साउथ के लोग इकट्ठे होने वाले हैं। 261 लोग, ये हमारी कोई आंदोलन की या रैली नहीं है, ये हमारे चिंतन शिविर है जिसके अंदर जो मजिस्ट्रेट्स हैं, जजेज हैं, मिनिस्टर्स हैं, जैसे निरंजन ज्योति महामंडलेश्वर हैं, केंद्र के हमारे बीच के लाइजिंग के लिए हैं। हमारा है राजनीतिक भागीदारी, दूसरा है जाति जनगणना, तीसरा है आरक्षण और चौथा है कश्यप बोर्ड की स्थापना। ये 4 तो पुराने जिसमें हमारी वार्तालाप चल रही है। इस अधिवेशन के अंदर जो हमारे साथ में है वो है संगठनात्मक, राजनीतिक, सामाजिक, न्यायिक, प्रशासनिक और फेडरल, जो फेडरलिज्म है इसके आधार पर। इसमें हमारा जो गहन चिंतन है, क्योंकि आज हमारा बच्चा रोजगार पर नहीं रहेगा, राजनीतिक भागीदारी नहीं रहेगी, तो हम उस क्षेत्र के अंदर काम करके उनको आत्मनिर्भर करना चाहते हैं। हमारा जो बिगुल बजने वाला वो यहीं से ही है और ये संदेश है सरकार को, समाज को, कि हम अपने अधिकारों के लिए यूनाइट होकर के लड़ें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।